ओए क्या हो गया? ये देख यार, ये तो बहुत ज्यादा लॉस है। है ना भाई, एक दो नहीं पूरे 20 शेयर्स में पैसा डाला था, 20 में से 18 लॉस में है। अब दो के प्रॉफिट्स का क्या अचार डालूं? एक मिनट, बैंक्स, पांच तो बैंक्स के शेयर्स हैं, तीन फार्मा के और छह, भाई छह तूने एफएमसीजी में डाल दिए। अबे तू थोड़ा सा क्या, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते भाई शेयर्स में। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे, ताकि आप वो गलतियां ना करें शेयर्स में इन्वेस्ट करते हुए जो मैंने वीडियो की स्टार्ट में की थी। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है ताकि आपको अपनी शेयर्स इन्वेस्टमेंट को लेकर कभी पछताना ना पड़े, और वीडियो के एंड में मैंने कुछ सीरियस डिस्कशंस किए हैं, उसे मिस मत करना। चलिए चिप लोग में। पहले पोर्टफोलियो का मतलब समझो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कैश, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबको एक साथ एक जगह पर रख दो, वही आपका पोर्टफोलियो है। पर आज हम शेयर्स के ही पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, यानी आपको अगर मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कितने शेयर्स खरीदने चाहिए। आंसर है जितने आप संभाल पाओ, जिन्हें आप वीकली ट्रैक कर सको, हर तीन महीने में रिव्यू कर सको और जिनके बारे में आप हर तरीके से अपडेटेड रह सको। अगर मैं अपनी तरफ से एक नंबर दूं तो 10 से 15 ये वो मैक्सिमम नंबर है। इससे ज्यादा खरीदोगे तो उनमें भेदभाव करने लगोगे, जो कि सही बात नहीं है। कैपिटल एलोकेशन का मतलब है कि आपको कितना पैसा किस इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। अब उस पैसे में से कितने पैसों से सिर्फ आप शेयर्स खरीदोगे, और अगर आप 10 या 15 शेयर्स खरीद रहे हो तो आप डिवाइड करके ये निकाल सकते हो कि आपको कितना पैसा एक शेयर में डालना चाहिए मैक्सिमम। ये वो वीडियो है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना सीखा था। इससे आप ये समझ सकते हो कि आपको शेयर्स में कितना पैसा डालना चाहिए अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने शेयर संभाल सकते हो और एक शेयर पे मैक्सिमम कितना पैसा आपको लगाना चाहिए। अब अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मुझे लगता है कि मैं 12 शेयर्स मैक्सिमम और मिनिमम 8 शेयर्स तो अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, और मेरे पास 10,000 रुपए हैं जो कि मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करने हैं। तो इस हिसाब से मैं मैक्सिमम 1200 रुपए और मिनिमम 800 रुपए एक शेयर पे इन्वेस्ट करूंगा। इसे आप अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होती है, और ये रूल सेक्टर्स पे भी एप्लीकेबल है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग अलग सेक्टर्स पे करो। सेक्टर्स कैसे चूज करते हैं इसकी बात हम फिर किसी दिन किसी और वीडियो में करेंगे, बट आज समझते हैं कि आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे। लेट्स से आपको लगता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, एनर्जी और भी एक दो सेक्टर्स हैं जो कि ग्रो करेंगे, तो आपको क्या करना है, इनमें से टॉप पिक करने हैं, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3, क्योंकि आप उतने ही संभाल पाएंगे। जनरली लोग उतना ही संभाल पाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इन नंबर्स को कैलकुलेट करने के पीछे रीजन कुछ भी नहीं है, बस इतना कि इनफ पैसा एलोकेट हो जाए हर शेयर पे। पता चला डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही और रिटर्न आ ही नहीं रहे। अब आया वो टॉपिक जिसका शायद आप वेट कर रहे थे, शेयर्स। हर सेक्टर से आप 1 से लेकर 3 नंबर ऑफ शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पैसे अच्छे से डिवाइड होंगे। इससे ज्यादा करोगे तो पैसा ठीक से डिवाइड नहीं होगा और हमारा मोटिव नहीं पूरा होगा, जिसमें हमें अच्छे रिटर्न्स चाहिए। शेयर्स कैसे पिक करते हैं मैंने इस वीडियो में बता रखा है, देख लेना। पर शेयर्स में भी डाइवर्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सटर्नली इनके फैक्टर्स सेम हैं और इंटरनली भी आपने ऑलमोस्ट सेम रखे हैं, तो दोनों में जब प्रॉफिट होगा तो साथ में होगा, लॉस होगा तो साथ में होगा। तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि सेम सेक्टर में, सेम इंडस्ट्री में काम करते हुए भी वो थोड़े बहुत डिफरेंट हों। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जब सेक्टर्स में शेयर्स पिक कर रहे हो तो उनके या तो प्रोडक्ट या काम करने के तरीके में डिफरेंस होना ही चाहिए। जैसे अगर हम कार्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मारुति सुजुकी और ह्यूंडई दोनों सेम सेक्टर में हैं, दोनों का प्रोडक्ट सेम है बट दोनों बहुत डिफरेंट है। एक थोड़ी कॉस्ट कटिंग करती है बट अफोर्डेबल गाड़ियां बनाती है, और दूसरी कंफर्टेबल गाड़ियां बनाती है बट वो थोड़े प्रीमियम एंड पर है। तो बहुत चांसेस है कि अगर कार्स की इंडस्ट्री में डाउनफॉल होगा तो शायद इन दोनों में एक साथ डाउनफॉल नहीं होगा। तो यार इतना था स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में, बट अब कुछ सीरियस बात करते हैं। जिसे लगता है कि उसे इस वीडियो से इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई है वो ये वीडियो क्लोज कर दे, हम उसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। बट मैं यंग लोगों से कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ।
सी आई अंडरस्टैंड ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स बहुत एक्साइटिंग चीज लगती है, लगता है मनी मेकिंग मशीन्स हैं, हम आज पैसा डालेंगे और कल हम करोड़पति तो बन ही रहे हैं। ये लोग जो फंडे देते हैं, चीजें सिखाते हैं, इनको कुछ नहीं पता है। मैं देख रहा हूँ ना, देखो मेरी दो शेयर्स में मैंने पैसा डाला है, कितना पैसा बन गया है। हम तो अपनी नौकरी छोड़ देंगे, हम तो जॉब लेंगे ही नहीं, और हम सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम करोड़पति बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोविड की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है। मैंने लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाया है, जरूर देखना। बट इस लिक्विडिटी की वजह से आप इतने सारे रिटर्न्स देख रहे हो, ये लिक्विडिटी हमेशा नहीं रहेगी। आप जिस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो कि 80% 100% 200% मल्टीबैगर, ये तो बन ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल डेज में स्टॉक मार्केट से 20% रिटर्न निकालना एक बड़ी बात होती है। मार्केट 20% रिटर्न के लिए ना पसीने छुड़वा देती है लोगों के, और अब आने वाले साल ऐसे ही होने वाले हैं। अब आने वाले हर साल के साथ शेयर्स की इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स पाना उतना ही मुश्किल होने वाला है। इसीलिए ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे, इनके चक्करों में मत पड़ो, लंबी रेस के घोड़े बनो, लंबी रेस में पैसा डालो और देखना कि मार्केट कितने खुली बाहों से आपका स्वागत करेगी। लेकिन जो लोग ये क्विक मनी के चक्कर में है ना, वो मुंह के बल ही गिरेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, कुछ साल बाद आप ये वीडियो वापस से देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे और कई लोग जिस वीडियो के समय देख रहे हैं वो भी इस चीज़ का एग्जांपल बनने वाले हैं, बिकॉज उनको मेरी या और किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, ट्रेडिंग, ऑप्शंस, फ्यूचर, इनसे दूर रहो, बिकॉज आप इन चीज़ों को ढंग से समझते ही नहीं हो। और प्रॉब्लम पता है क्या है, जो आप लोगों को ये चीज़ समझाते हैं वो लोग भी इसे इतने अच्छे से नहीं समझते हैं। बस एक बात बोलूंगा, इसे हमेशा याद रखना कि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पैसे ग्रो होते हैं, पैसे बनते नहीं हैं। ठीक है, बहुत ज्ञान की बातें हो गई आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लास्ट का मैसेज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर लगता है कि ये मैसेज किसी और को भी सुनना चाहिए तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।